गूगल ने बहुत ही बेहतरीन ऐप निकाला हुआ है जिसका नाम है बोलो। इस ऐप की मदद से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर सेवन्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चे अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐप किस तरह से काम करता है। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं चैनल एम्स आईटी। चलिए शुरू करते हैं। अब हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पे हैं। आपको यहाँ पर डायरेक्टली प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है गूगल बोलो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे गूगल बोलो ऐप आ चुका है। इस पे टैप करने के बाद आपके सामने इंस्टॉलेशन के लिए पूछ रहा है, तो जस्ट आपको इंस्टॉल पे टाइप करना है। जैसे आप टैप करोगे इंस्टॉल पे, इसका इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, जो कि 43.59 MB का ये ऐप है और ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। आजकल ये कॉमन है, आपने देखा होगा बच्चे मोबाइल लेने की ज़िद करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करने की ज़िद करते हैं। तो इस तरह का अगर ऐप हम इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फ़ोन में बच्चों को दे दें तो वो मोबाइल यूज़ करने के साथ साथ जो है एक अच्छी लर्निंग भी कर सकते हैं, उनको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो बोलो ऐप है बहुत ही बेहतरीन ऐप बनाया है गूगल कंपनी ने। गूगल एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, आपको ये पता है। तो इसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज़, लॉन्ग स्टोरीज़ और लैंग्वेज प्रेफरेंस, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस, उसके अलावा जो है जंबल वर्ड्स, इस तरह के अलग अलग गेम्स वगैरह भी रखे गए हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है, प्लीज़ पेशेंस रखें। अब यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, ये कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पर एक ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये जो बोलो ऐप है आप ज़रूर इस्तेमाल करें और ये ऐप आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे ये बोलो का लोगो आया है। और ये ख़ासकर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर जो सेवन्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, उसका जो होम पेज दिखाई दे रहा है मुझे सामने, वो अलग अलग लैंग्वेज बता रहा है। एक यहाँ पे एक लैंग्वेज का बहुत सारा भंडार है, जैसे कि इंग्लिश हिंदी है, बांग्ला हिंदी है, उर्दू है, तेलुगु है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको और भी लैंग्वेज यूज़ करने हैं तो आप यहाँ पे मोर लैंग्वेज पे जाकर भी आप यहाँ पे लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कन्नड़ा लैंग्वेज तो नहीं देखा। अगर आप इसे इंस्टॉल करके चेक करोगे और आपको कन्नड़ा मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मुझे ये भी बताएं कमेंट करके कि ऐप आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे जैसे मैं आऊँगा तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मुझे पूछ रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो। और जो यहाँ पे एक कार्टून दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे मोबाइल गाइड है इस बोलो ऐप का, ये टीचर है जिसका नाम है दिव्या। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से ऐप काम करता है। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको यहाँ पर ओपन टैप करना है। ओपन टैप करने के बाद आप देख सकते हो मेरा नाम दिया है बोलो में, मैं आपके बच्चों की पढ़ना सीखने में मदद करूंगी। ये दिव्या है, में आप चाहते हैं कि जो आपका ट्यूटर है, जुबान को दबाएं। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको हिंदी प्लस इंग्लिश या फिर बांग्ला प्लस इंग्लिश या फिर उर्दू प्लस इंग्लिश, किस लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हो, आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या है। मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा उर्दू प्लस इंग्लिश। ठीक है, आपके बच्चे उर्दू और इंग्लिश में पढ़ेंगे, जारी रखने के लिए इस नीले बटन को दबाएं। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट टैप करना है। जैसे आप नेक्स्ट टैप करोगे आप देख सकते हो आपको यहाँ पर लर्न ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको कोई यहाँ पे वर्ड पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे इस टीचर पे, आप गाइड पे टच कर सकते हो। क्या आप अभी ये मुझे पढ़कर सुनाएंगे? तो जैसे ही आप यहाँ पे, मैं आपको सुन सकूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह के अल्फाज जो बच्चे सही तरीके से पढ़ेंगे सितारे पाएंगे। अगर आप अच्छे तरीके से उर्दू और इंग्लिश पढ़ने में अपने बच्चों की मदद करने के लिए तैयार हैं तो इस नीले बटन को दबाएं। तो कंटिन्यू करने के लिए आप यहाँ पे इसे टैप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक गाइड है, टर्म कंडीशन है जो कॉमनली गूगल से आता है। आप यहाँ पे आई एग्री जो ऑप्शन है उस पर आप टैप कर सकते हो, यानी कि हम सहमत हैं।
एक गेम खेली, एक कहानी पढ़ी या एक नई कहानी शामिल करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टोरीज हैं, यहाँ पर जंबल वर्ड्स भी हैं, स्पीड रीडिंग है, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे हैं। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, आप इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश है, अगर आप उर्दू में कहानियाँ चाहते हो तो उर्दू आप टैप कर सकते हो। जैसे आप टैप करोगे आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि आप पढ़ने के लिए उर्दू कहानियाँ तैयार हो रही हैं, उर्दू जा सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो उस केस में आप यहाँ पे थ्री लाइंस पे आप टच करके आप यहाँ पे जो ऑप्शन है जबान की सेटिंग्स आप यहाँ पे टच करके आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी लेके दिखाना चाहता हूँ आपको किस तरह से काम करता है। तो चलिए हम इंग्लिश में कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कहानी ले रहा हूँ जिसका नाम है फैट किंग थिन डॉग। तो यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ इसको, फैट किंग थिन डॉग। अब यहाँ पे जो भी ब्लू दिख रहा है इसे हमें रीड करना होगा, रीड करने के बाद ये प्रॉपरली आगे बढ़ेगा। दिस इज फैट किंग। जबरदस्त, आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा। इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है यहाँ पे, कोई लैंग्वेज कोई टेक्स्ट आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, आप यहाँ पे इसको इस गाइड को इस टीचर को आप टैप करती है, आपको रीड करेगा। मोटे बादशाह के पास एक दुबला कौत्ता है। His thin dog go for a walk. मोटा बादशाह और उसका दुबला कौत्ता चयाल पद्धति के लिए जाते हैं। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आप एक पजल गेम जो ऑप्शन है जो जंबल वर्ड्स का है मैं दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पे टैप कर दीजिए। गेम के लिए लेवल मंतव करें। अब यहाँ पे मैं लेवल जो है फर्स्ट यहाँ पे आसान लेवल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, जैसे कि फैट के लिए आपको यहाँ पे सेट करना है। जैसे मैं एफ ले रहा हूँ, बॉक्स मिला के छोड़ रहा हूँ, ए उसके बाद टी फैट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स हैं, जैसे कि थिन के लिए टी पहले, फिर एच, उसके बाद आई, उसके बाद थिन, लाइक दिस। तो आप इस तरह से बहुत इजी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली एक 10 से 15 मिनट भी अगर आप बच्चों को इस पे ट्रेन कराते हो तो आप आपका बच्चा जो है बहुत ही जल्दी पढ़ना लिखना इजीली सीख जाता है और इसमें बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस भी होती है। तो मैं ज़रूर आपसे ये कहूँगा कि आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ऐप आपको किस तरह से लगा, कैसा लगा, और इसके थ्रू हम अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा दूसरे भी उठा सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।